अस्सलामुअलैकुम। पीरियड्स के दौरान क्या सूरह सजदा और सूरह मुल्क नहीं पढ़ें और इसको बता दें कि क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं? जी, एक बिन्नत आदम उसकी मजबूरी है, वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकती पीरियड्स के दौरान। और जो कुरान की तिलावत की उसको इजाज़त मिली है ना, वो सवाब की अलामत के बगैर मिली है, वो उसको ज़रूरत के तहत मिली है, मुझे यही समझ आई है। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मेरी समझ के अंदर कोई कोताही है। तो बात यह है कि हाफिज़ा को दी जाती है इजाज़त कि भी उसका सबक नहीं भूल जाए, लेकिन अगेन उसको सवाब के साथ रिलेट या बरकत के साथ नहीं किया गया। तो आप ये बड़ी बड़ी सूरतें तो ना ही पढ़ें। एक काम कीजिए, अब तो हम कुछ किस्मत हैं, ये सूरतें कानों में लगा के, वो हैंड्स फ्री लगा के सुन लिया कीजिए, ठीक है? और दिल में दोहरा लें, ज़ुबान से नहीं, दिल में कारी के साथ साथ दोहरा लें, तो इंशाल्लाह फिर तो बरकत भी होगी, क्योंकि दिल तो कभी नापाक नहीं ना होता। बंदा मोमिन का दिल जिसमें रब रहता है, एक तो ये बात होगी जो ईमान की जगह है। बाकी आपने कहा कि क्या अलाउड है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या सूरह बकरा की आखिरी आयात को इसलिए पढ़ना जायज़ा है, या आयतुल कुर्सी को दुआ के तौर पे और ज़िक्र के तौर पे पढ़ना जायज़ है, कुरान की तिलावत के तौर पे जायज़ नहीं? ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर दे, आपकी अच्छी जो नीयत है उसको अल्लाह कबूल फरमा ले, और अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा।